नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यमुनानगर के सेक्टर 18 में तेज गति से आ रही कार सड़क पर लगे बिजली पोल से जा टकराई और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में कार में सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। मिली जानकारी के मुताबिक यह हादसा यमुनानगर रटौली रोड से गोविंदपुरा की ओर जाने वाली सड़क पर स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल के नजदीक हुआ। इसमें एक लग्जरी कार सेक्टर 18 के डिवाइडर के पास लगे बिजली के पोल से टकराई और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि इसमें सवार दोनों युवकों की जान बच गई और उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आया है कि इनमें से एक युवक का नाम गोपाल और दूसरे का नाम दक्ष है, जो कि यमुनानगर के सुभाष नगर और छोटी लाइन के रहने वाले हैं। कार की जांच करने पर उसमें एक गन मिली है, जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। कार में से मिली गन के बारे में जब जांच अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया है। जब ये घटना हुई तो वहां पर लोग एकत्रित होने शुरू हो गए। उन लोगों में से एक ने डायरेक्ट 112 पर कॉल करके इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। वहीं हुड्डा सेक्टर 18 के पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का दौरा किया। घायलों से बात करने पर पता चला है कि वे लोग कार में जा रहे थे और कार में अचानक से ब्रेक लग गए। अगर कार के एयरबैग ना खुलते तो उन लोगों को बड़ी चोटें भी आ सकती थी। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। हम चल रहे थे, ब्रेक मारते कार स्लिप हो गई, तो स्लिप होता ना कार से घूम गई और हम खंभे में बैठ गए थे। उसके बाद हम कुछ आ गए। तो क्या कार ज्यादा स्पीड में थी? नहीं, मीडियम स्पीड थी। गाड़ी स्लिप कर गई। गाड़ी स्लिप कर गई। हाँ। तो किस किस को चोटें लगी है? दक्ष को लगी है और मेरे पैर का मांस फट गया। अभी आपको और कोई ज़्यादा बड़ी इंजरी तो नहीं है? हाँ। तो कहाँ के रहने वाले हो आप? छोटी लाइन। और दक्ष? ये छोटी लाइन। दोनों भाई लगते हैं आपको? हाँ। कोई और कुछ नुकसान तो नहीं हुआ आपका? तो चोटी तो ये कर दो नीचे। हमारे पास तो सूचना आई भी जो एक ओवर स्पीड गाड़ी है वो टकरा गई है खंभे के साथ, तो तुरंत मेरा आईओ एएसआई परविंदर सिंह मौके पहुंचे हैं। अभी जांच करते हैं, देखते हैं क्या मामला। कितने घायल हुए सर? दो घायल हुए हैं। गाड़ी बता रहे काफी रफ्तार से खंभे को, बहुत ज्यादा रफ्तार से थी। कुछ मिला सर गाड़ी? अभी देख रहे हैं, सर्च करेंगे गड्डी की, अफसरों के आदेश अनुसार फिर देखेंगे जो भी। कुछ वेपन मिलने की भी सूचना थी? नहीं, अभी बताएंगे आपको जो भी होगा जी, जल्दी बता देंगे आपको। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।